हेलो गाइस, वेलकम टू टेकिया से यूट्यूब चैनल। एंड गाइस, फाइनली शाओमी अपने नए फ्लैगशिप किलर स्मार्टफोन को जो है इंडियन मार्केट में कुछ ही दिनों में लॉन्च करने वाला है, जिसका नाम रहेगा यहाँ पर शाओमी 14 सेवी। फाइनली इसकी ऑफिशियल इंडिया लॉन्च डेट शाओमी इंडिया ने कंफर्म कर दिया है। क्या कुछ आपको इंडियन वेरियंट में एक्जैक्टली में स्पेक्स देखने को मिलेंगे, इंडिया में क्या कुछ प्राइस पॉइंट पर आपको देखने को मिलने वाला है, आज की स्टूडियो में कंप्लीट डिटेल देने वाला हूँ। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर शाओमी 14 सीवी स्मार्टफोन की ऑफिशियल इंडिया लॉन्च डेट के बारे में। तो 12 जून मतलब 12 जून को ये ऑफिशियल इंडियन मार्केट के लिए लॉन्च करा जाएगा। फ्लिपकार्ट पर ऑलरेडी ये स्मार्टफोन का लैंडिंग पे जा चुका है। अब बिना टाइम वेस्ट करें फटाफट से ये स्मार्टफोन के इंडियन यूनिट के कंप्लीट स्पेक्स आप लोग के साथ में शेयर कर देता हूँ। बिल्ड, डिजाइन एंड फर्स्ट लुक की अगर हम बात करें तो बैक में अगर आप देखोगे सर्कुलर टाइप का आपको कैमरा लेआउट देखने को मिलता है। बैक में 3 कैमरे देखने को मिलते हैं, साथ ही में फ्लैश है, एल्यूमिनियम की फ्रेम आपको देखने को मिल जाती है। बैक में आपको लेदर बैक वाला मॉडल भी मिलेगा, आपको ग्लास बैक वाला मॉडल भी मिलेगा। तो बिल्ड क्वालिटी के मामले में स्मार्टफोन काफी सॉलिड होने वाला है। डिस्प्ले की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको 6.55 इंच का एक सेंटर पंच होल के साथ में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में क्वाड कर्व एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा। जो रेजोल्यूशन है वो आपको 1.5K का देखने को मिलने वाला है। रैम एंड रोम की अगर हम बात करें तो बताया जा रहा है 8 to 56 GB से बेस रैंड स्टार्ट होगा। जो टॉप ऑफ द लाइन वाला वेरिएंट है आपको 512 GB की स्टोरेज देखने को मिलने वाली है। डुअल सिम का सपोर्ट रहेगा, SD कार्ड स्लॉट आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। साथ ही में यहाँ पर आपको UFS 4.0 का स्टोरेज टाइप एंड LPDDR5X वाला रैम टाइप यहां पर दिया जाएगा। परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें जो कि स्मार्टफोन का हाइलाइटिंग फीचर रहेगा, क्योंकि यहां पर आपको Snapdragon का 8S Gen 3 वाला 5G चिपसेट मिलेगा जो कि 4M टेक्नोलॉजी बेस्ड रहेगा। Antutu स्कोर आपको 1.5 मिलियन के आसपास का देखने को मिलने वाला है। कैमरास की अगर हम बात करें जो कि अगेन ये स्मार्टफोन का हाइलाइटिंग फीचर रहेगा, क्योंकि यहां पर आपको बैक में ट्रिपल एयर कैमरे का सेटअप मिलेगा। 50 MP का प्राइमरी सेंसर रहेगा OIS के साथ में, 12 MP का आपको अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा भी देखने को मिल जाएगा। जो तीसरा कैमरा है वो अगेन आपको 50 मेगापिक्सल का एक टेलीफोटो लेंस यहाँ पर दिया जाएगा। यानी एक और एक हाइलाइटिंग फीचर आपको ये मिलता है कि सेल्फी कैमरा, ये बार आपको 2 सेल्फी कैमरे दिए गए। यहाँ पर जो प्राइमरी सेल्फी कैमरा रहेगा वो आपको 32 मेगापिक्सल का मिलेगा, एंड जो दूसरा सेल्फी कैमरा रहेगा वो भी आपको 32 मेगापिक्सल का मिलेगा, लेकिन एक अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा होने वाला है। तो कैमरास के मामले में चाहे बैक कैमरे की बात करो या सेल्फी कैमरे की बात करो, काफी सॉलिड फ्लैगशिप ग्रेड के कैमरास आपको देखने को मिलने वाले हैं। एंड्रॉइड वर्जन एंड UI की अगर हम बात करें तो एंड्रॉइड 14 आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाएगा। हाइपर OS पे पर ये रन करेगा। सेंसर्स यहां पर आपको सारे देखने को मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस अनलॉक का फीचर, सैटडे 3.5 हेडफोन जैक का सपोर्ट नहीं मिलेगा, लेकिन डुअल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट यहां पर दिया जाएगा। बैटरी लाइफ की अगर हम बात करें तो यहां पर अगेन आपको 4700 mAh की बैटरी मिलेगी टाइप सी पोर्ट के साथ में। डिवाइस सपोर्ट करेगा 67 वॉट की फास्ट चार्जिंग को, एंड आउट ऑफ द बॉक्स आपको फास्ट चार्जर भी देखने को मिल जाएगा। सो गाइस, ये ओवरऑल यहां पर आपको कंप्लीट स्पेक्स देखने को मिलेंगे अपकमिंग Xiaomi 14 सीवी स्मार्टफोन के इंडियन रिटेल यूनिट में। अब बात कर लेते हैं यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, क्या कुछ प्राइस पॉइंट पर हमें ये स्मार्टफोन इंडियन मार्केट में स्टार्ट होते हुए दिखेगा। तो लीक्स के अगर माने जो 256 GB से बेस रन स्टार्ट होगा, इंडिया में अराउंड आपको 45,000 रुपीज के आसपास से प्राइस पॉइंट स्टार्ट होते हुए दिखने वाले है। तो सर एग्जाम मुझे कम सेक्शन में बताना अपकमिंग शाओमी 14 सीवी स्मार्टफोन के ओवरऑल फर्स्ट लुक आपको कैसे लगे, स्पेक्स कैसे लगे, एंड ये स्पेक्स को देखते हुए आपके हिसाब से इसके इंडिया प्राइस पॉइंट क्या होनी चाहिए, मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। सर होप कमेंट्स नहीं होगी, एंड कैसे अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।